चुनावी राज्य राजस्थान के लिए भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी। इन 41 उम्मीदवारों की सूची में भाजपा ने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। ऐसा ही प्रयोग भाजपा ने मध्य प्रदेश में भी किया था। बता दें कि राज्यवर्धन राठौड़, दिया कुमारी, नरेंद्र कुमार, भगीरथ चौधरी, किरोड़ीलाल मीणा, बाबा बालकनाथ, देव सिंह पटेल, ये वो 7 सांसद हैं जिन्हें की पार्टी ने राज्यसभा के विधानसभा चुनाव में उतारा है। राजस्थान से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा से टिकट मिला है। वहीं बाबा बालकनाथ को तिजारा से जो सांसद हैं उन्हें भी राज्य के चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा सवाईमाधोपुर से किरोड़ीलाल मीणा, किशनगढ़ के सांसद भागीरथ चौधरी और सांचौर से सांसद श्री देवजी पटेल को पार्टी ने विधानसभा चुनाव में टिकट दिया है। झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विद्याधरनगर से दिया कुमारी, बस्सी से चंद्रमोहन मीणा को मौका, श्रीगंगानगर से जयदीप बिहानी, भादरा से संजीव बेनीवाल, डूंगरगढ़ से ताराचंद सारस्वत को, जबकि सुजानगढ़ से संतोष मेघवाल और दूदू से प्रेमचंद बैरवा को टिकट दिया गया है। तो पहली सूची है वो किस प्रकार से, वो भी आप देखिए। देखिए, जयदीप बिहानी गंगानगर से, संजीव बेनीवाल को भादरा और ताराचंद सारस्वत को डूंगरगढ़ से मौका दिया गया है। लंबा राजनीतिक अनुभव उनके पास में। संतोष मेघवाल को सुजानगढ़ से, बबलू चौधरी जिन्हें झुंझुनू से मौका मिला, नरेंद्र कुमार को सांसद जो कि हैं मंडावा से इनको मौका मिला है। भाजपा की पहली सूची जारी है और उसमें ये प्रमुख जो नाम है उनकी स्थिति हम आपको बता रहे हैं। विक्रम सिंह जाखल जिन्हें नवलगढ़ से मौका मिला, शुभकरण चौधरी उदयपुरवाटी, श्रवण चौधरी फतेहपुर से इन्हें मौका मिला है। इसके साथ ही सुभाष मेहरिया जिन्हें लक्ष्मणगढ़ से मौका मिला है, हंसराज पटेल गुर्जर कोटपुतली से, जबकि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को दूदू से यह मौका दिया गया है। बड़ी सीटें हैं इनके सामने जो दिग्गज हैं कांग्रेस पार्टी से, उनकी सूची अब आनी बाकी है। दिया कुमारी विद्याधरनगर से इन्हें मौका मिला है, सांसद हैं, अब 7 सांसद कुल यहां पर उतारे गए। चंद्रमोहन मीणा आप देखिए रिटायर्ड आईएएस हैं, बस्सी से इन्हें टिकट मिला, जबकि सांसद बाबा बालकनाथ को तिजारा से मौका दिया गया है। और यहां इनका प्रतिनिधित्व कैसा रहता है, जनता में पकड़ कैसी रहती है, वो देखने वाला होगा, क्योंकि रोचक जरूर हो जाएगा चुनाव। बड़ी सीटों पर बड़े चेहरे हैं। देवी सिंह शेखावत को बांसूर से मौका मिला है, जयराम जाटव को अलवर ग्रामीण क्षेत्र से, जबकि जवाहर सिंह बेडम को नगर विधानसभा क्षेत्र से मौका दिया गया है। भाजपा की पहली सूची में प्रमुख नाम है बहादुर सिंह कोहली जिन्हें वैर से मौका मिला है, राजकुमारी जाटव को हिंडौन से, जबकि हंसराज मीणा को सपोटरा से भाग्य आजमाने का मौका मिला है। विधानसभा क्षेत्र से जो पहली सूची में जो टिकट दिए गए हैं, रामविलास मीणा को लालसोट से मौका मिला, जबकि राजेंद्र मीणा को आप देखिए बामनवा से मौका मिला है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो कि सांसद हैं वर्तमान में सवाईमाधोपुर से, इनको विधानसभा क्षेत्र के लिए विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा गया है। विजय बैंसला जिन्हें देवली उनियारा से मौका दिया गया है, भागीरथ चौधरी सांसद हैं वर्तमान में किशनगढ़ से इन्हें मौका मिला है, शत्रुघ्न गौतम इन्हें केकड़ी से टिकट मिला है। भाजपा की पहली सूची में ये वो नाम है जिन्हें मौका दिया गया है विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का, जनता के बीच में अपनी जो भागीदारी है वो बताने का। अर्जुन लाल गर्ग इन्हें बिलाड़ा से, जबकि बालाराम को भी यहां पर टिकट मिला, नाना लाल आहरी इन्हें खेरवाड़ा से, बंसीलाल कटारा को डूंगरपुर से, कृष्णा कटारा को बागीदोरा से, भीमा भाई डामोर को कुशलगढ़ से, जबकि उदयलाल भड़ाना को मांडव से। गजानन कुमाऊं दांतारामगढ़ से, भागचंद डाकरा को बांदीकुई से, शंकर डेचा को सागवाड़ा से मौका मिला है। भाजपा की पहली सूची के वो नाम है भाजपा के राजस्थान प्रभारी प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा, आइए खुद खाते हैं। कोई भी एक्शन नहीं, क्योंकि उनको लगता है हमारा सरकार है, क्रिमिनल्स को लगता है ये सरकार कांग्रेस की सरकार हमारा है, द सेंस ऑफ ओनिंग रहता है ना, ये हमारा है ये सेंस। विद्याधरनगर से दिया कुमारी को टिकट मिलने के बाद उन्होंने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यहां अच्छे मतों से जीतने के साथ हम सरकार बनाएंगे।
दिया कुमारी ने क्या कुछ कहा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, प्रधानमंत्री मोदी जी को एक विश्वास था कि जिस तरह का काम हमने सांसद होके करा उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सिखाया हुआ है उस तरह से हम अपने विधानसभा में काम कर पाएंगे। और राजस्थान के अंदर जो एक बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है, जो भ्रष्टाचार है, अपराध है, जिस तरह का यहाँ पे बेरोजगारी करी हुई है, और मैं तो खुद एक उदाहरण हूँ, एक राजस्थान का साधारण नौजवान आत्मविश्वास और क्षमता की वजह से कर पाया मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी करा। तो बहुत सारे नौजवान हैं राजस्थान के अंदर जिनके अंदर अपार क्षमता है, उनको आगे रास्ता देना ये तो कुछ राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस वजह से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को और जनता को धन्यवाद देता हूँ कि आज ऐसा उनका आशीर्वाद रहा, ऐसा उनका विश्वास रहा कि आज अगर विधानसभा लड़ने के भी अगर अवसर मिला है तो वो मुझे मिला है। बिल्कुल, मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देती हूँ और प्रदेश नेतृत्व का भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उन्होंने ये अवसर दिया और विद्याधर नगर से प्रत्याशी बनाया। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि मैं उनके जितने भी वहां पर जितने भी काम हैं, जो भी वहां की एक्सपेक्टेशंस हैं, जनता के सारे काम होंगे और पूरा प्रयास रहेगा और बहुत अच्छे वोटों से हम लोग इस चुनाव को भी जीतेंगे और हमारी सरकार भी बनेगी राजस्थान। ये सारी बातें स्पेक्यूलेशंस हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा उसको अवसर मिलेगा, लेकिन अभी हमको हमारा जो फोकस है पार्टी का वो सबको एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना है और कमल का फूल हमारा प्रत्याशी भी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मोदी जी ने खुद ने सभा में ये बोला है। बहुत मैं आभारी हूँ हमारे नेतृत्व की कि हमी मुझे मैं क्योंकि महिला हूँ और मुझे भी अवसर मिला, जयपुर से अवसर मिला।